भारत की राजनीति में आजकल एक बड़े नेता के पास बहुत फोन आ रहे हैं। असम से लेकर केरल तक के मोदी विरोधी नेता उसे फोन कर रहे हैं। फोन करने वालों में कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी भी शामिल हैं। आमतौर पर नेता ऐसी बातें जनता के सामने नहीं लाते। हैरानी की बात यह है कि उस नेता ने इन फोन कॉल्स के बारे में सबको बता भी दिया है। इनका नाम है शरद पवार। शरद पवार कुछ दिन पहले चर्चा में थे क्योंकि इन्होंने अपनी बनाई पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। चारों तरफ कोहराम मच गया, तमाम समीकरण बनने बिगड़ने लगे। किसी ने कहा पवार ने अपनी पार्टी का बड़ा हिस्सा बीजेपी में जाने से रोकने के लिए इस्तीफा दिया। किसी ने कहा उन्होंने शिवसेना को खत्म करने के लिए इस्तीफे का दांव चला। कहा तो यह भी गया कि पवार 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी विरोधी फ्रंट का सहमति उम्मीदवार बनने के लिए इस्तीफे का दांव चला था। कहा क्या है इस राजनीतिक दांव की असलियत वजह? पवार के एक एक मूव से क्या बदला है और क्या कुछ बदल सकता है, यह समझने के लिए हमने शरद पवार की पॉलिटिक्स में एक रिसर्च किया है। नतीजे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। इंदिरा गांधी के साथ शरद पवार, राजीव गांधी के साथ शरद पवार, विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ शरद पवार, चंद्रशेखर के साथ पवार, देवगौड़ा के साथ पवार, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ शरद पवार, मनमोहन सिंह के साथ, सोनिया गांधी के साथ, ज्योति बसु और दूसरे वामपंथियों के साथ, मुलायम और लालू के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ शरद पवार, वामपंथियों के साथ शरद पवार, दक्षिण पंथियों के साथ शरद पवार और मिडिल मार्गियों के साथ शरद पवार। चालीस में जन्मे और 1958 से सक्रिय राजनीति में आ गए। 2023 तक 65 साल का उनका राजनीतिक सफर रहा। इस दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने बुरा दौर देखा हो। शरद पवार ने किसी खास राजनीतिक रुझान के समीकरण की राजनीति नहीं की, सही वक्त पर सही कदम उठाए जिसके चलते वो हमेशा सत्ता के केंद्र में बने रहे। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश भी उन्होंने इस तरह की जिसके चलते राष्ट्रीय राजनीति अंगड़ाई लेने लगी और उसी इस्तीफे को वापस लेने की बात भी उन्होंने जब की उसके चलते 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी सक्रिय राजनीति का लैंडमार्क सेट हो सका। अभी इनफैक्ट मैंने राजनीति में आ गए एक्चुअली 1962 आई बिकम मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन 1958 and I started actually working in the organization since 1963-67 I got elected. After continuously and getting elected either this house or that house. इतने साल काम करने के बाद, इतने साल जिम्मेदारी संभालने के बाद ऐसे लगता है कि कभी न कभी नई जनरेशन तैयार करने के लिए अपने सोचना चाहिए और ये मैं सोच रहा था कई महीनों से। मैंने ये भी सोचा कि इसको डिस्कस करने की आवश्यकता है, साथियों को कॉन्फिडेंस में लेने की भी आवश्यकता है कि जिन्होंने मुझे हमेशा सहयोग दिया। मगर दूसरा एक मन में मेरी बात आती थी कि मैं सब्जेक्ट निकालूंगा तो कोई मुझे इजाज़त नहीं देगा और इसलिए विदाउट डिस्कसिंग ये डिसीजन लेकर आगे जाएंगे। मेरा ये असेसमेंट गलत दिखता। मेरा असेसमेंट पार्टी के साथ अल्टीमेटली एक्सेप्ट करेंगे ये जो था वो ठीक नहीं निकला। साथियों ने एक्सेप्ट नहीं किया, पूरे देश से रिएक्शन आ गई
अन्य राजनीतिक दलों के कई नेता लोगों ने बातें की, चाहे सोनिया गांधी हो या चाहे अन्य साथी हो, राजस्थान आसाम से केरला वहाँ तक सभी क्षेत्रों से जो नॉन बीजेपी लीडरशिप है इन लोगों के सुझाव आ गए, रिक्वेस्ट आ गई और मुझे ऐसी वैसी विषय में बदलाव करने की जरूरत आ गई। इस बयान में शरद पवार ने जो कहा उसे कुछ कीवर्ड्स की मदद से समझते हैं। 1963 से चुनाव जीत रहा हूं, कभी हारा नहीं, मेरी पार्टी मेरे बिना आगे बढ़ सकती है, ऐसा सोचना गलत था। असम से केरल तक जितने गैर बीजेपी दल हैं, वो सब चाहते हैं कि मैं अपनी पार्टी का प्रमुख रहूं। और सबसे बड़ी बात जो पवार ने कही वो ये कि सोनिया गांधी ने उन्हें फोन करके कहा कि वो अपनी पार्टी के प्रमुख बने रहे। इसका सीधा सा संदेश ये है कि बिना पवार के एनसीपी का कोई मतलब नहीं है और देश के गैर बीजेपी नेताओं में शरद पवार अपनी राजनीतिक हैसियत सोनिया गांधी से कम नहीं मानते। शरद पवार ने आज जो शरद पवार ने इस्तीफा का जो ऐलान किया उसके पहले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में और दिल्ली में काफ़ी बहुत बड़ी हलचल चल रही थी। और आपने देखा होगा शरद पवार, अजीत पवार, उनके जो बयान आ रहे थे कुछ दिनों से वो विरोधियों के कम्प्लीटली अपोजिट थे। जो विरोधी पार्टी अदानी के ऊपर जेसीबी की मांग कर रही थी, लेकिन शरद पवार ने अचानक जेसीबी की ज़रूरत नहीं है ये पॉइंट उठा के सब वो विरोधियों की हवाई उस मुद्दे की निकाल डाली। बाद में जो डिग्री है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी डिग्री के ऊपर शिवसेना की अलग राय है, कांग्रेस की अलग राय है, लेकिन एनसीपी की अलग राय है, वो बोलते हैं डिग्री एक इशू ही नहीं है। उसके बाद में उसके जो भतीजे अजीत पवार, उनके भी बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है विरोधी और उनमें। मेरे ख्याल से बीच में उन्होंने पुणे में एक इंटरव्यू दिया था अजीत पवार ने, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनकी काफ़ी प्रशंसा की थी, एक नरेंद्र मोदी एक अच्छी लीडरशिप है काफ़ी प्रशंसा की। बाद में बीजेपी के जो सुटेबल सब्जेक्ट्स है, इश्यूज़ है, उनके ऊपर उन्होंने राय रखी थी। सावरकर का इशू हो, ईवीएम का इशू हो, तो बाकी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के डिग्री का इशू, मेरे ख्याल से चाचा और भतीजा जिस तरीके से अपने बयान दिए कुछ लास्ट एक दो महीने में, वो ज़्यादा बीजेपी के लिए और बीजेपी के लीडर के लिए ज़्यादा सुटेबल थे बल्कि अपोजिशन के लिए। इसलिए वो स्टेटमेंट जो है, हम जो उनको डॉट कनेक्ट करते हैं एज अ जर्नलिस्ट और एज अ एनालिस्ट, तो उस डॉट के तरह क्लियर दिखते हैं कि पवार फैमिली एक अलग रास्ता चुनना चाहती है, लेकिन वो रास्ता क्या है वो आने वाले समय में तय होगा, उसका क्लैरिटी कुछ दिनों में आएगी। लेकिन जो इस्तीफा दिया उससे काफ़ी चीज़ें अभी क्लियर हो रही है। शरद पवार के बारे में एक्सपर्ट्स की राय है कि वो एक नया उत्तराधिकारी चुनने की दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन पवार के कदम राजनीति खुद को जिस दोराहे पर लाकर खड़ा कर रहे हैं उसमें एक तरफ गैर बीजेपी दलों में पवार को नेतृत्व का उत्तराधिकारी बनाने की मंजिल है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी की जगह एक नए गठबंधन की मंजिल, यानी वो एक पत्थर से कई पक्षियों को उड़ाने की जुगत में। इसलिए सामान्य लोग जो सोच रहे हैं उनके दिमाग में उससे अलग प्लान चल रहा है, यानी सुप्रिया और प्रफुल्ल पटेल में फंसे रणनीतिकारों से एक बिल्कुल अलग राह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये दोनों की भी तैयारी नहीं, वो अपना सुप्रिया खुद लोकसभा की कैंडिडेट हो सकती है, उनका कहना है कि भाई मेरा इलेक्शन है, मेरा कॉन्सेंट्रेशन मेरा क्षेत्र पर, चीज़ मेरी सीरियस और हर कॉन्स्टिट्यूंसी प्रैक्टिकली सी इज वन ऑफ द पार्लियामेंट्रियन हू स्पेंड अदर देन पार्लियामेंट्रेशन फोर डेज अ वीक इन कॉन्स्टिट्यूंसी, सो दैट्स वाई क्वेश्चन डजन अराइज। ये सब प्रफुल्ल पटेल has been recently elected in Rajya Sabha. He was 5.5 years in Rajya Sabha. So question doesn't arise. And that's why these names might be mentioned by media, but no, they are not thinking from that direction. तो फिर पवार की नजर किस निशाने पर है? ये जानने की कोशिश करेंगे तो समझ आएगा कि पवार कैसे
जनता के मन में चल रही बातों को समझते हैं और कैसे ये भी जानते हैं कि लोकतंत्र संख्या का कोई समाधान नहीं होता है। वो संदेश देते हैं कि मोदी की तरह मेहनत करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी जिताकर विरोधी राजनीति में एक नया ऑप्शन क्रिएट करें। काम करने वाला हूँ, एक तो कंटिन्यू काम करना ही होगा। इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो इलेक्शन के मैं तो कंसेंस नहीं करूँगा, मगर बाकी हमारे साथी जीतेंगे कैसे और देश में वायुवर अंतिम कैसा फायदा होगा, इस पर चाहे इतनी मेहनत करने की मुझे तैयार है और साथ साथ नई फीली कैसे तैयार हो सकती है। कभी समझो इलेक्शन आ गई, इलेक्शन में कई सीट हम कंसेंस करेंगे, कई जगह पर नई फीली को अपॉर्चुनिटी देगी, नए कैंडिडेट देगी। ये करना इसमें लीडरशिप में बदलाव करने की एक कोशिश होती है, तो इसके साथ साथ हम कर सकते हैं। पवार सैद्धांतिक नहीं प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करते, इसी का नतीजा है कि उनके मूव्स को समझ पाना अपनों और विरोधी दोनों के लिए मुश्किल है। जिस सोनिया गांधी को विदेशी मूल के मुद्दे पर पीएम नहीं बनने दिया, उसके नेतृत्व में मनमोहन सिंह जैसे पीएम के कृषि और रक्षा मंत्री बने रहे। हर मुश्किल वक्त में सोनिया के संकट मोचक बने। राजकारण ऐसे होता है, मतलब ये एकदम चौंका देने वाली बात कर देना, मराठी में हम लोग धक्का तंत्र बोलते हैं, ऐसा कुछ तो भी करते हैं वो। अभी किसी को भी नहीं था कि वो अजीत दादा जा रहे हैं बीजेपी में, इस तरह की चर्चा जब शुरू हुई तो इन्होंने अचानक अपने खुद के इस्तीफे की बात कही, तो फिर वो काहे के लिए इस्तीफे की बात उन्होंने कही थी। तो इस तरह का इसके पहले भी हो चुका है, 1995 में जब हंग असेंबली आई थी, तो वो हंग असेंबली जब आई तो उसमें शरद पवार जी अब सत्ता बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्या कर सकते हैं, मतलब उनके पार्टी में इतनी उथल पुथल हो गई थी। एक तरफ से हिंदुत्ववादी ताकतें ज़्यादा जोर करने लगी थी और दूसरी तरफ कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं था, मतलब शरद पवार की जो एम्बिशन है वो ज़्यादा बड़ी हुई थी और उनको एक्चुअली जो होना था पार्टी प्रेसिडेंट होना था वो हुए नहीं थे। तब भी से उनको कांग्रेस के बारे में उनके दिल में ऐसा था कि इस कांग्रेस में रहना है कि नहीं रहना है, मतलब अपने को यहाँ क्या मिलेगा ऐसा नहीं लगता है। इसी वजह से शरद पवार सपोर्टर्स और लॉयलिस्ट कांग्रेस लॉयलिस्ट इन दोनों में इतना झगड़ा शुरू हो गया कि इन्होंने उस वक्त एक दूसरों के सामने कैंडिडेट्स खड़े किए। 95 की जब इलेक्शन आई वो उस इलेक्शन में उन्होंने अपने ही पार्टी के कैंडिडेट के सामने एक दूसरों के कैंडिडेट खड़े किए और फिर बाद में ऐसे हो गया उसका नतीजा कि 40 इंडिपेंडेंट चुन के आए, मतलब कुछ लॉयलिस्ट कैंप तो कांग्रेस के थे और कुछ रिबेल शरद पवार के थे, तो इस तरह से उन लोगों ने किया हुआ था। और फाइनली हंग असेंबली आ गई, उन्होंने कहा कि 40 इंडिपेंडेंस लेकर मैं सत्ता नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने सोचा और उनको लगा कि ये शिवसेना बीजेपी की अलायंस अगर करती है तो करने दो, किसी को भी करने दो, ऐसा उन्होंने सोचा और इस्तीफा देकर आए। हम एक लक्ष्मी आयर नाम की पत्रकार थी, वो बोली, वो उनके पास ही बैठी थी, वो बोली नहीं नहीं मुझे एक सवाल पूछने दो वगैरह, तो फिर वो बोले कि हाँ लेडीज़ फर्स्ट करके उन्होंने उसको अलाउ किया। तो उसने कहा कि मिस्टर पवार आर एंट यू डिगिंग यूर ओन ग्रेव बाय डूइंग दिस,
ऐसा बोला तो उनको इतना गुस्सा आ गया उसके तरफ, बहुत गुस्सा आ गया, एकदम आग बबूला हो गए और बोले कि बोले गेट आउट, गेट आउट किया उसको, बहुत गुस्से में थे और बोले कि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आना है तो स्टडी करके आना, कुछ भी नहीं पूछना है, और उठ के जाने लगे। दरवाजे के पास थे और उन्होंने मुझे आवाज़ दी, हाँ राही इधर आओ करके, तो मैं दौड़ के चली गई और बोल रहे हैं कि तुमको पता है कौन उनका होम मिनिस्टर बनने वाला है। तो मुझे लगा कि मैं अभी दो मिनट में ये ऐसे थे और अभी उनके होम मिनिस्टर की बात इजीली बोल रहे हैं, मतलब सत्ता में अगर ये होते, ये चीफ मिनिस्टर होते तो होम मिनिस्ट्री इन्हीं के पास रहती। तो ये बोलते हैं कि बोलते किसके पास जाएगी, तो मैंने बोला गोपीनाथ मुंडे हो सकते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं होना चाहिए, तुम एक काम करो बाला साहब ठाकरे के पास जाओ और उनको बोलो कि प्रमोद नवलकर को होम मिनिस्टर करो। पवार साहब को मृणालताई गोरे, अहिल्याताई रांगणेकर ऐसी जो नेताएं थी बड़ी, जो विरोधी पक्ष नेता है, उनके लिए बहुत आदर है और उन्होंने हमेशा ये कहा है। जब मुझे लगता है मृणालताई गोरे जब बहुत बीमार चल रही थी तब पवार साहब ने मुझे कहा था मृणालताई की तबीयत कैसी है, उनको देखने के लिए मुझे जाना है। और वो बारामती से निकले, पुणे आए और 5 बजे मुंबई में मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि हम लोग मृणालताई को मिलने जाएंगे और मृणालताई से मिलने उनके घर पर 40 मिनट पवार साहब उनसे बातें कर रहे थे। यानी मृणालताई के लिए, उनके लिए वो भले ही वो विरोधी पक्ष नेता था, नेता थी, लेकिन उनको उनके लिए एक आदरयुक्त प्रेम था। एक बार मैं और पवार साहब जा रहे तो मेरे को पूछा, नील तुम्हारे मतदार संघ में कितने तालुके हैं? मतलब साहब दो, उनको मालूम सब मालूम रहता हूँ। मेटर साहब एक नरखेड़, हाँ बोले नरखेड़ में, बोले वो भारतीय जनता पार्टी के गंगाधर राव जी कोडे वहाँ पे थे, अभी है क्या वो? उनको गुजर के 25 साल हो गए लेकिन गंगाधर राव जी कोडे का नाम उनको मालूम। उसी प्रकार दूसरा तालुका मेरे यहाँ पे काटोल है। अच्छा अनिल बोले काटोल में एक विधायक थे, विधान परिषद के मेंबर थे, वीरेंद्र देशमुख, वो काटोल के थे। मतलब हर एक मतदार संघ की पूरी जानकारी थी। दूसरी बात, उनके साथ में कभी हेलीकॉप्टर से जाने का मौका आया तो हमको मालूम रहता है कि साहब के साथ में कल हेलीकॉप्टर से समझो नागपुर से अकोला जाना है। तो हेलीकॉप्टर से जाते जाते इतने सवाल पूछते रहते कि हमको पहले उसकी तैयारी कर लेना पड़ता कि नागपुर से अकोला जा रहे तो कौन से गांव बीच में लगते, कौन सा डैम बीच में लगता, क्या नहीं, पूरी जानकारी। क्यों हेलीकॉप्टर से जब जाते रहते तो उनको सब मालूम रहता, लेकिन हमारा टेस्ट करते हो। मेरा स्वभाव कैसा है, अगर मेरे माँ बाप के जात बात कोई जानता है तो वो पवार साहब है। मुझे समझना इतना आसान नहीं, नानुमुमकिन है, उसको भगवान भी नहीं समझ पाएगा। वो इंसान है ही कुछ ऐसा बनाया है भगवान ने कि भगवान अब खुद नहीं जान सकते कि मैंने क्या बना के रखा है। शरद पवार की राजनीति देखने वालों को चौंकाती है, लेकिन वो अपने बड़े से बड़े सरप्राइज भी बहुत तैयारी के साथ तैयार करते हैं ताकि उसके किसी भी इफेक्ट को वो माप सकें और डैमेज कंट्रोल का प्लान पहले से ही तैयार है। लोग कहते हैं कि माँ के पेट से सीख के आए हो क्या, शरद पवार पर ये मुहावरा सही बैठता है। उनकी माँ शारदा बाई पवार राजनीति में, उनके कई बेटे बेटियां थे। पवार का परिवार बहुत बड़ा है, आज भी जब कभी उनके परिवार की तस्वीरें दिखाई देती हैं तो उसमें मौजूद लोगों को गिनने में वक्त लग जाता है। लेकिन इस पूरे परिवार से राजनीति में प्रमुखता से अजीत पवार और सुप्रिया सुले ही आगे दिखते हैं, लेकिन राजनीति में उनके लिए कोई कभी भी अछूत नहीं रहा। एनसीपी ऐसी पार्टी है, एनसीपी कुछ भी हो जाए तो उसको 40-50 सीट चुन के आते, क्योंकि वो मराठा बेस्ड पार्टी है, रूरल महाराष्ट्र बेस्ड पार्टी है, कोऑपरेटिव सेक्टर बेस्ड पार्टी है। महाराष्ट्र में मराठों की तादाद कम से कम 35% है,
मेरे ख्याल से मेजोरिटी और महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स देखा जाए तो जब से 1960 से जैसे महाराष्ट्र सेपरेट हुआ गुजरात से, उस टाइम से महाराष्ट्र के मैक्सिमम जो चीफ मिनिस्टर वो मराठा ही रहे और मराठा ही की डोमिनेशन रहा है। मेरे ख्याल से इसलिए एनसीपी और बीजेपी साथ में आएगी तो बीजेपी का जो वोट शेयर वोट बेस है और मराठा एनसीपी का वोट बेस वो साथ में आएगी तो बहुत बड़ी ताकत मेरे ख्याल से बीजेपी को मिलेगी। मराठा परसेंटेज देखा जाएगा हर इलेक्शन का परसेंटेज तो सबसे ज़्यादा हर पार्टी को जैसे वोटिंग परसेंटेज होता है सबसे ज़्यादा वोटिंग करने वाले मेरे ख्याल से मराठा ही एनसीपी को वोटिंग करते हैं। मोर देन 50% के लगभग वोटिंग मराठों की एनसीपी की होती, इसलिए एनसीपी को मराठों की पार्टी भी बोला जाता है। और जो मराठा और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बेस है साथ में आएगा अर्बन और रूरल, तो मेरे ख्याल से बीजेपी को जो आज स्लिपरी नोट पे ग्राउंड पे महाराष्ट्र में है उसको कोई ज़्यादा मेरे ख्याल से हेल्प होगी कमबैक करने में। शरद पवार राजनीतिक प्रयोग के 3D प्रिंटर है। उनके दिमाग में अगर कोई डिजाइन फीड हो गया तो चाहे जितना मुश्किल हो वो उसे प्रोड्यूस कर देते। 1978 में जनता पार्टी की मदद से महाराष्ट्र में सरकार बनाई, इंदिरा गांधी ने उसे नहीं चलने, लेकिन वो बाद में इंदिरा और राजीव दोनों के करीबी बने। अटल जी पीएम थे तो 2001 भुज भूकंप के लिए बनी आपदा राहत कमेटी के मुखिया शरद पवार थे। मोदी के साथ उनकी मैत्री तो सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाने तक पहुंच चुकी। जब शरद पवार को लगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए सोनिया गांधी तैयार नहीं होंगी तो कहते हैं कि उन्होंने अजीत पवार और फडणवीस की ड्यूटी को हरी झंडी दिखाई, लेकिन सोनिया मान गई तो फौरन पोजीशन बदल गई। लेकिन एनसीपी में एक गुट है जो ये कहता है कि कांग्रेसी विचारधारा खत्म हो गई, मोदी की विचारधारा के साथ जाना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अजीत पवार ने कहा था कि जब से 2019 में कांग्रेस ने हिंदुत्ववादी शिवसेना से हाथ मिलाया उसी दिन से एनसीपी और कांग्रेस ने सेकुलरिज्म को गुड बाय कह दिया। कुछ लोग काम करने वाले होते हैं और कुछ लोग मीडिया के साथ अच्छे रिश्ते रखना या अपना फर्ज समझते हैं। और मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि मिस्टर अजीत पवार ही इज नॉट अ पर्सन हु स्पेंड मोर टाइम विथ मीडिया, ही प्रीफर टू स्पेंड टाइम विथ पार्टी कलीग और आम लोगों के साथ डेवलपमेंट के काम के लिए। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट है और देश का 9.16% वोटर यहाँ रहता है। राज्यसभा में 4, विधानसभा में 52, विधान परिषद में 11। 2019 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी को 16.71% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 35 सीट पर चुनाव लड़ी और उसे 1.39% वोट मिले। महाराष्ट्र के बाहर लक्षद्वीप में पार्टी का एक सांसद है। केरल में एनसीपी के 2 विधायक हैं, झारखंड में 1, नागालैंड में 7 विधायक हैं। एनसीपी का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2004 और 9 के लोकसभा चुनाव रहे, जबकि उसे 9-9 सीटें मिली थी। ऐसे में 2024 के लिए पवार की पावर बैटिंग फील्ड सजाने और फील्डिंग करने के लिए देखी जा रही है। एनडीए के लिए मराठा वोट के लिए इफेक्टिव पावर है, कांग्रेस को कमजोर कर सकते हैं और साथ ही गैर बीजेपी मोर्चे के लिए कांग्रेस एक आम सहमति का चेहरा है। पवार का मैनेजमेंट कमाल का है, उनके रूट की लाइनें कभी भी व्यस्त नहीं मिलती, उन्हें कोई भी कभी भी डायल कर सकता है और पवार कभी भी किसी को डायल कर सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।